सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। उसी के साथ विधानसभा में ही कैबिनेट की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और एक बड़ा फैसला भी लिया गया। मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा गया कि अब से विधानसभा अध्यक्ष इनकम टैक्स खुद भरें, विधानसभा पर इसका बोझ नहीं आएगा। बड़ी बात ये रही कि विपक्ष ने मंत्रियों के इनकम टैक्स खुद भरने के फैसले को लेकर सरकार का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने भी खुद ही इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा के इसी सत्र में नलकूप खनन विधेयक लेकर आएगी। आज की बैठक में विधेयक को रखा गया, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आप सभी को विदित है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि वेतन भत्ता जो माननीय मंत्रीगणों को मिलता है उसमें 1972 से एक एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता, उसमें लगने वाला इनकम टैक्स जो राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा तो सभी माननीय मंत्रीगणों ने उसको सहज स्वीकार करते हुए आज उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं थी। अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा। साथ ही जिसकी जमीन होगी, जिसने बोरिंग कराया, यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि दोनों बंद नहीं करते तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया। यह विषय काफ़ी लंबा है, पुराना है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, CBI जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसे स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोक कर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए। कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है विधानसभा। विधानसभा एक नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है प्रदेश का। यहाँ जो भी चर्चा होगी वो नियम और कानून के अनुसार होगी। इसलिए मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी जब कक्ष में अंदर बात की तो मैंने उनसे चर्चा की, स्थगन तो नियम के अनुसार आ ही नहीं सकता। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को बता दीजिए, वो किसी भी तरीके से इसको ले लेंगे, चर्चा हो जाएगी। वहीं नरसिंह घोटाले पर भी चर्चा कराए जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा को स्थगित कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले पर चर्चा से भाग रही है। मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का स्कूल का है, हम चाहते थे कि पूरे इस पे चर्चा हो और निश्चित तौर से सरकार कहीं आए बाए से मुद्दे को रोकना चाहती थी, चर्चा नहीं कर। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ ला, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ कि हम कभी सदन को ख़त्म करना नहीं चाहते। हम सदन पूरा चलाना चाहते, पूरे 14 बैठकें हो पूरी, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं विपक्ष के हंगामे के, तो हम बीच का रास्ता चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नियम में कराएं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए।
इस बात पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी ने एक चर्चा का माहौल बनाया है, कल व्यवस्था देंगे, कल चर्चा का उन्होंने प्रश्नकाल के बाद चर्चा का है। सभी विधायक हमारे सभी तैयारी है और नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेके जो बीजेपी कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कागज देखे, प्रमाण देखे कि किस वर्ष में किस समय किसने परमिशन दी, ये स्पष्ट है। अब या इन्होंने हाईकोर्ट में जो जानकारियां दी है क्या वो सच है कि कल यहाँ देंगे वो सच है, तो ये कल पता चलेगा, कल इस बारे में बात होगी। यही चाहता हूँ कि ये युवाओं का मामला है, उनके साथ भविष्य में खिलवाड़ नहीं हो, उनके नाम से पैसे नहीं लूटे जाए। हम ये चाहते हैं कांग्रेस दल के विधायक की मजबूती के साथ कि आप सबके हर युवा को न्याय मिले, उन गरीब बच्चों के साथ भविष्य में परेशानी ना हो, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है।